हेलो गाइस, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। और बीच में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर लाइट गोल हो जाती है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है डायरेक्टली, तो कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर हम कंप्यूटर को शटडाउन ना करें और डायरेक्टली प्लग से बंद कर दें तब भी कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, आज के इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं और जिनका आप देख करके बहुत सारा अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो चलो दोस्तों, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद कर दिया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, अगर आप कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर में, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जस्ट लाइक टाइपिंग कर रहे हो और टाइपिंग करते करते आपने पूरा टाइपिंग कर लिया और आखिरी तक पहुँच गए हो, उसे सेव नहीं किया है, या फिर कोई और दूसरा ऐसा अदर काम कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अचानक से लाइट गोल हो जाती है, या कोई आपके घर का बंदा आके प्लग को डायरेक्ट बंद कर देता है और आपको पता नहीं चलेगा, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पहली प्रॉब्लम जो फाइल पे आप काम कर रहे हो, जब आप दोबारा ओपन करोगे तो हो सकता है कि वो फाइल भी ख़राब हो जाए या वो फाइल ओपन ही ना हो, तो आपकी जो पूरी मेहनत थी 2 घंटे की 3 घंटे की वो पूरी बर्बाद जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हो और उस वक्त अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर को बंद कर देते हो तो इससे उसके प्रोसेसर में भी फ़र्क पड़ता है। तुरंत में तो आपका कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा, लेकिन एक लाइफ टाइम बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर आप बार बार उसको प्लग से बंद कर दोगे तो आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, और वो डिस्टर्ब हो सकता है, और जब ये डिस्टर्ब होगा तो आपका कंप्यूटर एक डब्बा हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद ना करें, उसे पूरा शटडाउन करें और फिर बंद करें। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, चलो हमने तो शट डाउन कर दिया और बंद कर दिया, लेकिन अगर मान लो लाइट ही गोल हो जा रही तब हम क्या करें। तो दोस्तों उस समय आप अगर कुछ काम कर रहे हो, भले वो आप सेव कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन अगर लाइट गोल हो जाती है तो उस समय भी आपके कंप्यूटर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो आपको इस्तेमाल करना होगा UPS का, जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए पावर बैंक मिलता है, जिसमें आपको फिट करके अपने कंप्यूटर को आप थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ सेकंडों के लिए अपने कंप्यूटर को चालू रख सकते हो लाइट गोल होने के बाद भी। लेकिन उसमें आपको सिर्फ आपको UPS जो है इतनी सर्विस देता है कि आपको सिर्फ अपनी फाइल सेव करना है और कंप्यूटर को शटडाउन करना है, इतनी देर तक का वो आपको बैटरी पावर देता है। इसकी मदद से आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आपकी लाइट गोल हो भी जाए तो भी आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब लाइट गोल अगर होती है दोस्तों तो और क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में काम करते हैं तो आपके हर कंप्यूटर में आपने देखा होगा या आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो होगी, होगी नहीं होगी तो पेन ड्राइव होगी। तो अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के रखी है या पेन ड्राइव लगा के रखी है, और मान लीजिए अगर आप पेन ड्राइव में कोई मूवी पड़ी है या कोई ऐसी फाइल पड़ी है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कोई फाइल पड़ी है या मूवी कुछ भी पड़ी है, आप उसको ओपन करके देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो और अचानक से लाइट गोल हो जाती है या आपने अचानक से कंप्यूटर डायरेक्टली बंद कर दिया, तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होगा आपको, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ख़राब हो सकती है, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपकी वो ख़राब हो सकती है, और साथ में जो पेन ड्राइव भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें भी ऐसी कर रहे हो तो वो पेन ड्राइव भी ख़राब हो सकती है, दोबारा से हो सकता है कि ओपन ही ना हो, और फिर दोबारा अगर एक बार ये ख़राब हुई तो दोस्तों भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। हार्ड डिस्क भी 3 से 4 हज़ार की आती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और पेन ड्राइव भी 400-500 से स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्टली बंद ना करें, उसको पूरा शट डाउन करें और फिर बंद करें। और दोस्तों अगर आप लोगों ने कंप्यूटर ख़रीदा है, ओरिजिनल उसमें आपका विंडो डला हुआ है, ठीक है, या नहीं भी डला है, अगर आपने कहीं से भी मार्केट से लोकल विंडो डलवा के रखा है और अगर लाइट जाती है, तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसका विंडो भी करप्ट हो सकता है, और ज़्यादातर चांस में तो विंडो जल्दी करप्ट हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे उसमें एक मैसेज आने लगता है विंडो का, तो वो इसलिए आता है कई बार कि हम लोग डायरेक्टली प्लग बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो उससे विंडो जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसमें दोबारा से आपको उसको पूरा विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको विंडो डालना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, होता क्या है, जब कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो कंप्यूटर में ढेरों फाइलें होती हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं बैकग्राउंड में, जो हमें पता नहीं चलता है, उन फाइलों की मदद से आपका कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद जब आप कुछ एक्स्ट्रा फाइलें भी खोल लेते हो तो उनकी भी फाइलें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप कहीं से भी स्विच ऑफ कर देते हो या लाइट गोल हो जाती है तो वो जो फाइलें होती हैं ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली रैम में होती हैं। ठीक है, और रैम का आपको मतलब पता हो तो मैं बता दूँ, रैम में जो भी फाइलें होती हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहती हैं, जैसे आप अगर लाइट बंद करते हो या कुछ भी करते हो तो स्टोर तो रहती नहीं है, तो स्टोर ना रहने के कारण वो फाइल उसमें से गायब हो जाएगी। तो होगा ये दोस्तों, वो फाइलें
अचानक से अगर आप लाइट बंद करते हो ना, जो बैकग्राउंड में जो फाइल चलती है जो हमें नहीं दिखती उसमें, तो वो फाइलों के डिस्टर्ब होने से भी आपका कंप्यूटर पूरा बिगड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए कोशिश करें पूरी की पूरी कि कंप्यूटर को शट डाउन करें, ठीक है, माउस से क्लिक करके, राइट क्लिक करके, उसमें शट डाउन जो बटन आता है उसको क्लिक करके उसको शट डाउन करें। और दूसरा सबसे बड़े बात, आप UPS का इस्तेमाल जरूर से ज़रूर करें। अगर आप अपने कंप्यूटर की लाइफ को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो UPS का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि इसमें आपको बैटरी पावर मिल सके एक्स्ट्रा, और जिसकी मदद से आप आसानी से अपने कंप्यूटर को लाइट गो होने के बाद भी बंद कर सकेंगे।